सुन लिया, सुनते नहीं यार तुम तो मेरी यार बात मतलब हद होगी भाई। मतलब बैंड बज रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी तुम मेरी बात सुनना बंद कर दोगे हैं। तो भाई लोग सभी जानते होंगे कि भाई मैरिज किस चिड़िया का नाम है, वो तो सभी जानते हैं मैरिज किस चिड़िया का नाम है, जो शहीद हुए हैं वो भी जानते हैं। तो भाई मैरिज इज़, आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन मैरिज के बारे में। इंडियन मैरिजेज में क्या होता है, कल्चर बहुत बढ़िया है, मज़ेदार कसम से भैया मज़ा आ जाता है, लेकिन यहाँ भी यू कैन सी सम ड्रॉबैक्स आर देयर। ओके वी नीड टू सी दोज ड्रॉबैक्स टुडे। तो भाई अब हम आपने माँ बाप के साथ आज पता है शाम को जाना है शादी में, तो सुबह से ही शोर मचा देंगे कि भाई आज तो बाहर का खाना मिलेगा, बाहर का खाना मिलेगा, बाहर का खाना, बस यही चलता रहता है पूरा दिन। अब आया टाइम तैयार होने का, तो भाई हम सो जाते हैं, हम सोए रहते हैं उस टाइम तैयार होने के टाइम जब जाना होता है। अब भाई तैयार मतलब पूरे दिन से उछलेंगे कूदेंगे इस बारे में तो सोएंगे भी, तो सोने के टाइम हमारी माँ हमें चप्पलों से मारती है, उठो जाना है भाई अब जाने का टाइम हो गया है। अच्छा जो हमारे बड़े भाई लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, नहीं मम्मी मैं नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं मतलब मेरी कोई साथ वाला नहीं आ रहा, मेरा कोई जोड़ीदार नहीं आ रहा, मैं कैसे जा सकता हूँ। वो कहेंगे चल ले कोई ना कोई मिल ही जाएगा, हम तो जा रहे हैं, तो मैं वेटर बनूंगा वहाँ सामान दूंगा आप लोगों को। फिर वो घर रुकेगा, वो पीछे से समझ जाओ किसको बुलाने वाला, या फिर कुछ समझ जाओ, मैं ज़्यादा नहीं समझाता किसी को। हाँ समझ गए शाबाश। अब भाई बात करते हैं उस छोटू की, छोटू तो हर जगह चला जाता है, वो गया एंट्री हुई, चलो मान लो इस बार बड़ा भी चला गया, सिचुएशन चेंज कर देते हैं, वो बड़ा भी जा रहा है गाड़ी में, गाड़ी में भाई साहब छां घर से बाहर निकले, सामने वाला पड़ोसी भी जा रहा है, वो पूछेगा भाई साहब मैं भी चल लूँ, वो भी बैठ गया। अब भाई बात है शुरू, हाँ बेटा कौन सी क्लास में, अंकल जी 10th में था, अच्छा बेटा कितने नंबर मार्क्स आए आपके, नहीं मतलब यार शादी में जा रहा है एंजॉय करने जा रहा है, तू क्या करने जा रहा है भाई, तू मतलब पागल वागल है क्या, कुछ दिमाग ख़राब है तेरा, नहीं मतलब यार कम कसम से तू तो यहाँ भी चालू हो गया, घर में तो सामने वाले घर में रहता सारे मार्क्स पता है, फिर भी पूछेगा दोबारा डांट पड़वाने के लिए। अच्छा आगे से बापू बोलेंगे ड्राइविंग करते हुए, अरे ये तो पढ़ता लिखता है नहीं, इसको बस यही पूरा दिन गेम खेलवा लो, इसको बाहर घूमवा लो, बस और कुछ काम नहीं करता है, पूरा दिन तफरी मारता फिरता है। पापा मैं नहीं करता यार, आप ऐसे बेगौर में मत कहा करो, बाप से जुमान लड़ाता है, नहीं पापा मैं बस, नहीं चुप रहा है, ज्यादा फालतू मत बोल, समझ गया। अरे भाई साहब आप क्या कह रहे थे, ओ भाई साहब कुछ नहीं, मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि बच्चा थोड़ा पढ़े तो निकल जाएगा, समझदार बच्चा है, बढ़िया बच्चा, निकल जाएगा आपका बच्चा भी। अब भाई ऐसे बातें करेंगे ये कसम से मेरा दिमाग खराब हो जाता है। फिर बैठे रहो बैठे रहो, अब बैठे बैठे बाहर के नज़ारे लेते रहो, बाहर के नज़ारे लेते 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 फिर सो जाओ, मेरा छोटा भाई भी सो गया मैं भी सो गया, आपा मज़े में आराम से, कोई टेंशन ही नहीं है भाई। अब बात आती है वहाँ उतरने की, जब वहाँ से उतरो ना गाड़ी से, तब भाई साहब दिमाग ऐसा फूकता है ना कसम से, दिमाग ख़राब हो जाता है, नहीं मतलब गाड़ी से उतरो हम शर्ट जो भाई इतना मतलब आराम से इस्त्री करके लाए हैं उसका क्या हो जाता है पता है, वो बुढ़ी हो जाती है, उस पर दरारें आने लगती है, उसकी स्क्रीन रिंकल्ड हो जाती है पूरी भाई सब कसम से यार, मतलब लड़कियाँ क्या सोचे कि कहाँ से आ रहे हैं गवार लोग, नहीं मतलब क्या है, लेकिन भाई क्या करें जाना पड़ता है, अंदर जाओ। चलो भाई अब सिचुएशन चेंज करते हैं, जैसे ही हम अंदर एंट्री करेंगे, अब पहले तो सबसे माफ़ी मांगो, सॉरी भाई आज हम आपके यहाँ खाना खाने आए हैं, बहुत सारी लड़कियाँ ताड़ने आए हैं, वेरी वेरी सॉरी, अरे नमस्ते करते हैं मजाक कर रहा हूँ ठीक है, तो नमस्ते करी, ठीक है भाई आगे निकलो, मिल गया कोई भाई साहब आज तो लगेगी वाट, नहीं मतलब भाई पार्टी में आ रहे हो एंजॉय कर लो यार, तुम्हें सारी जगह पढ़ाई की याद आती है क्या, शर्म नहीं आती तुम्हें, रुक के मर जाओ कहीं जाके, दिमाग ख़राब कर रखा है यार तुम लोगों ने कसम से, यार मतलब आराम से बात कर लो ठीक है बेटा, हाँ नमस्ते बेटा पैर छू ले ठीक है, कुछ खा लो पी लो, नहीं भाई साहब ये तो कहेंगे कि भाई खा लो पी लो, अपनी जरूर चलानी है अपनी, तो भाई ऐसे चलाएंगे, कौन सी क्लास में है जी आपका बच्चा, पता नहीं यार कहाँ से आ जाते हैं लोग दिमाग ख़राब करने खामा खामे ही, मेरा तो बहुत दिमाग फूकता है इनसे। अच्छा चलो भाई सिचुएशन दोबारा चेंज कर दो, अब बारी आती है उन छोटे छोटे शैतानों की जो स्टेज पे चढ़ के दुल्हन और दुल्हे के
उस पे चढ़ के ऐसे खेलते हैं जैसे उनके घर का सोफा लग रखा हो भाई, कसम से इतना तगड़ा खेलते हैं। अब भाई लड़कों की बात आ गई, लड़के तो दो ही काम करने जाते हैं, एक तो जन्म जन्म के भूखे, पहले तो खाने पे टूट मरेंगे। अब भाई धीरे 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 पार्टी में संख्या बढ़ेगी लोगों की, तो भाई आने दो लौंडियों को, लौंडियों को ताड़ना चालू, भाई इससे बात करेंगे आज, इससे चक्कर चला लेंगे, दूल्हे की साली है ये, उसकी साली है, भाई साली साली कहाँ की साली, भैंस की आँख, सांस पानी ला, चले जा। हाँ तो भाई कहाँ थे लड़कियाँ, सेल्फी सेल्फी सेल्फी, अच्छा प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अबे भाई वेटर पता है पढ़ा लिखा नहीं है, उससे फिर भी प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब हद हो गई, वो पानी रखा होता उठा भी सकती है तू के नहीं उठा सकती, पागल कहीं की। सेल्फी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, कुल्फी खाते हुए, यार खा ले पहले फिर ले लियो सेल्फी। नहीं भाई हमें तो पहले सेल्फी लेनी है। नहीं मतलब हद हो गई यार तुम्हारा, तुम्हारी ऐसी की तैसी यार, हद हो गई बिल्कुल कतई, मतलब कहते हैं ना जहरीले पानी में डूब मरो जाके, बिल्कुल चुल्लू भरसे में जहरीला हो मर जाओ उसमें जाके, कसम से दिमाग खराब करते रहेंगे। सेल्फी तक तो ठीक, जी जू प्लीज वन सेल्फी एंड वन पिक विद यू। अरे यार एक मिनट मेरी आवाज़ को क्या हो गया, हाँ ठीक है, जीजा को तो छोड़ दो, उसकी शादी है, वो बेचारा वैसे ही शहीद होने के गम में मरा जा रहा है, और तुम और उसकी लंका लगा रहे हो कि भाई सेल्फी ले लो, यादें जोड़ लो, यादें जोड़ लो, आगे जाके काम आने वाली है। अरे और भाई अब आ जाते हैं खाने पीने पे, कसम से मज़ेदार सीन है खाना पीना भी, मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ। अच्छा गोलगप्पे वाले स्टॉल पे सबसे ज़्यादा कौन खड़ी रहती है, लड़कियाँ भाई, कंपटीशन लग रहे होते हैं लोगों के वहाँ, आज हम इतने खाएंगे आज हम उतने खाएंगे। अरे उनके बारे में सोचो जो दो इस देश के लिए मेडल ला रहे हैं यार। अबे यार बहस किया, कब डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा। अब भाई वो लोग जो टिक्की में और चटनी डलवाने के पक्के हुए रहते हैं यार, थोड़ी और डाल, थोड़ी और डाल, थोड़ी और थोड़ी, अरे भाई ले पूतू पूरी चटनी का डोंगा ले ले और पूरा आराम से बैठ के यहीं खा मेरे साथ, आ जा आ जा साइड में, आ जा बैठ, साला दिमाग खराब कर रहा है इधर, मतलब तेरे को क्या चटनी चाहिए, अबे थोड़ी थोड़ी सबको देनी है, तू अकेला यहाँ हो रहा है। और भाई साहब रसमलाई पे तो ऐसी भीड़ लगाएंगे, कसम से जिंदगी में ना देखी होगी रसमलाई, ने पता है बीकानेर पे महंगी मिलती है, तो ये भाई अपनी ऐसी तैसी इधर ही मराएंगे आके। कुल्फी मिल गई, कुल्फी कुल्फी तो बाहर मिलती नहीं आजकल, कुल्फी आना बंद हो गया है, वहाँ खड़े होके मतलब कुल्फी नहीं लेंगे आराम से बातें करने लगे, कुल्फी तो बाहर आना बंद हो गया है, कुल्फी तो ये। अरे भाई ठीक है तो कुल्फी ले और निकल आगे। अच्छा बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन करेंगे, बेटा हटना प्लीज यार थोड़ा सा, मतलब आंटी मांग रही तुम, अबे आंटी के बच्चे घूमते ही तू खाना चालू हो जाएगा, अब आंटी का नाम ले रहा है, बच्चों से कंपटीशन कर रहा है। बच्चे भी तेज, नहीं अंकल मैं पहले लगा हुआ था, नहीं बेटा समझा करो बेटा बात मेरे को लेने, नहीं अंकल मैं पहले लगा हुआ था। अबे पागल तू बच्चे से के साथ कंपटीशन कर रहा है, बच्चे को तो लेने दे कम से कम। अब भाई खाने पीने की बारी, उधर अनाउंसमेंट होती है, हेलो मे आई हैव सम अटेंशन प्लीज, डिनर इज सर्व्ड एंड रेडी सो प्लीज कंज्यूम इट। तो भाई साहब ऐसे जाएंगे ना जो मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी करने आते हैं ना, वो तो ऐसे टूट के भागेंगे कसम से, जैसे भाई जेल से अभी अभी निकाले गए हो, निकलो चलो भागो, भागते हुए आएंगे और ऐसे उठाएंगे प्लेटें, बस सारा शाही पनीर पहली बारी में ख़त्म। वो वेटर सोचता रह जाता है यार ये कैसे ख़त्म हो गया शाही पनीर, अगला बंदा चावल पे दुखी, तीसरा बंदा भाई नान पे दुखी, चौथा पूरियों पे दुखी, भाई साहब छोले ख़त्म, सब ख़त्म कर देते हैं ये लोग मेन मेन चीज़ तो। अब बाद में लोग क्या खाएंगे, अच्छा कुछ लोग फॉर्मेलिटी करने तो आएंगे लेकिन वो दिखाते नहीं है कि भाई हम फॉर्मेलिटी करने आए हैं, सही में ऐसे बोलेंगे, अंदर बोलेंगे अपने आप ग्रुप में खड़े हो गए, नहीं अभी थोड़ी देर में खाएंगे हम, अभी चीप लगता है। और बाद में आएंगे सबसे लास्ट में, जयमाला करवाने के बाद आएंगे भाई साहब, आएंगे फिर खाना खाने, फिर बोलेंगे ओह माय गॉड एवरीथिंग इज फिनिश्ड नाउ, जब तुझे पहले खाना था तो पहले ही खा लेता। जो लोग चल फिर नहीं सकते, मतलब वो चल फिर सकते हैं लेकिन उन्हें वेटर बनाने की आदत होती, मैं सबसे बड़ा वेटर, जहाँ मुझे अपना कोई जोड़ीदार नहीं मिला ना वहाँ भाई साहब मेरे को पेल दिया जाता, जा बेटा अब ये लेके आओ, जा बेटा ये लेके आओ, जा बेटा अब ये चाहिए, नहीं बेटा अब वो चाहिए, अब वो चाहिए, नहीं वो बोला था ना तेरे को समझ में नहीं आता। अरे भाई वेटर थोड़ी हूँ लौंडा हूँ तुम्हारा, ऐसे मत करो यार, बदतमीजी मत करो मेरे साथ, ठीक है ना, पहले ही बता रहा हूँ मैं, जब जाने का टाइम आएगा, जाने का टाइम भाई ऐसे
कसम से इतना मिलनसार हो रहा होता है, फिर मिलेंगे, आना किसी दिन घर, आना किसी दिन, जो मिलेगा आना किसी दिन घर। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अरे ठीक है ना, अब नींद आ रही होती है उस टाइम तो। एक बार मैं ज़रा शुरुआत में जाना चाहूँगा, मैं एक चीज़ मिस कर गया, बहुत ज़रूरी चीज़ है वो, लड़के और लड़की दोनों के लिए है, कि भाई हम लोग बाल बाल सेट करके जाते हैं, उनके साथ जो क्राइम होता है ना वहाँ, जब हम किसी बड़े के पैर छूते हैं, बहुत बुरा क्राइम होता है उनके साथ, बहुत बुरा। ऐसे हाथ फेर देंगे जैसे घास में से अपनी अंगूठी ढूंढ रहे हो, कसम से दिमाग कर। यार सुनो, अगर ये समझ में आई हो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, घंटा दबा दो, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। राधे राधे। गेम है भाई लोग, फार कराई टू, मेरी अपकमिंग गेम, देखते हैं कौन सी होगी। ठीक है, ज़्यादा दिमाग खराब मत करा करो मेरा। ओके बाय, राधे राधे। Girl, my body don't lie.